नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन और पाइए नवी मुंबई और पनवेल से जुड़े ताजा तरीन खबरें। मुंबई सपनों का शहर, यहाँ पर कोई भूखा नहीं रहता, यही इसकी गरिमा है। इसी के कारण देश भर से लोग यहाँ नसीब आजमाने आते हैं। लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खिंचाव आने लगा था। इसी के चलते 70 के दशक में मुंबई के सटीक नया वेल प्लैनेट शहर बसाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया और नवी मुंबई सिडको द्वारा बसाई गयी। यहाँ के स्थानिक अग्रिकोली समाज की जमीन पर बसे शहर ने आज 21 सेंचुरी का सम्मान पाया है। लेकिन जीवन जीने के लिए सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान काफी नहीं होता, वही बात शहर की होती है। समाज की भूख सांस्कृति शिक्षा मनोरंजन भी होती है, साथ ही समाज में सार्वजनिक काम करने के लिए हर समय या हर जगह सरकार का पहुंच पाना संभव नहीं है। यह कमी पूरा करती है सामाजिक संस्था अर्थात एनजीओ। इसी कारण नवी मुंबई में भी कई सारी एनजीओ अपनी अपनी शक्ति अनुसार काम कर रही है। इन्हीं में से एक नाम विशेष रूप से लिया जाता है और वो है स्माइल फाउंडेशन। स्माइल फाउंडेशन का स्लोगन ही है स्प्रेड माइल्स ऑफ स्माइल्स। यही स्लोगन स्माइल फाउंडेशन का उद्देश्य जाहिर करता है। स्माइल फाउंडेशन की स्थापना होकर ज्यादा दिन भले ही नहीं हुए, लेकिन जिन्होंने इसकी स्थापना की है वे है धीरज आहूजा, उमा आहूजा, शालिनी विधानी, प्रियंका सिंह, भावना अग्रवाल, अवनीत भाटिया, शेफाली नायर और अरुणा आनंद। जिन हस्तियों ने इसकी स्थापना की वे नाम सामाजिक कार्य में नए नहीं है। पिछले कई सालों से सामाजिक कर्तव्य का दायित्व निभाने में कभी पीछे नहीं हटे। अब तक आरंभ फाउंडेशन के विशेष विद्यार्थियों के लिए काम करते हुए डे केयर प्रोवाइड किया गया है। फिजियोथेरेपिस्ट की व्यवस्था भी की गई है, जिसके चलते आज 70 से ज्यादा विशेष बच्चों की देखभाल हो रही है। कंचन फाउंडेशन के साथ मिलकर अनाथ एवं गरीब बच्चों का पेट भरने के पुण्य काम करने में हाथ बटाते हैं। एचआईवी बाधित बच्चों के लिए काम करने वाली डिजाइनर सोसाइटी इस सामाजिक संस्था कार्य में भी अब तक साथ दिया है। वात्सल्य ट्रस्ट, चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, आशा किरण, ऐसी कई सारी एनजीओ से जुड़कर काम किया है। साथ ही नेरुल पुलिस स्टेशन ने शुरू किया यतीम बच्चों के स्कूल से भी अभी अभी जुड़े हैं। 2019 में सांगली कोल्हापुर में आई बाढ़ में भी राहत कार्य में जुटे रहे। अब तक कई सारे एनजीओ के साथ जुड़कर तथा पर्सनली भी सामाजिक काम का दायित्व निभाने के बाद अपना एनजीओ स्थापन करने का समय आया था और इसी कारण स्माइल फाउंडेशन का निर्माण हुआ। स्माइल फाउंडेशन जो है ये इसलिए फॉर्म किया गया है क्योंकि लोग जो है, हमारी जो महिलाएं हैं वो काफी सालों से अलग अलग तरीके से फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई है। इन्होंने काफी लोगों की मदद की है, काफ़ी फाउंडेशंस के साथ जुड़ के बच्चों की, अनाथों की, डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की जो है अलग अलग तरीके से मदद करने की कोशिश की है। इस बार इनका ये था, इनका ये प्रयास रहा है कि सब एक साथ आके जुड़ें और एक फाउंडेशन स्माइल्स फाउंडेशन के नाम से काम करें, जहाँ पे गर्ल चाइल्ड महिलाओं के लिए और जो पीछे वर्ग के लोग हैं जिनकी मदद की जा सकती है उनके लिए हम कुछ कर पाएँ। अब तक जो है 100 महिलाओं को इंश्योरेंस पॉलिसीज दी गई हैं, क्योंकि हम जानते हैं जिस समय मदद चाहिए होती है वहाँ पे उस समय कोई आगे आके मदद नहीं करता। स्पेशली महिलाओं के केसेस में देखा जाए तो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर बीमार कोई पड़ जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो परिवार के खुद के लोग भी नहीं आते मदद करने के लिए, और इनके लिए तो विशेष रूप से ये ज़रूरी है कि इंश्योरेंस पॉलिसीज दी जाएँ और उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए। हमारा एक और प्रयास रहेगा इस फाउंडेशन से कि 500 और लेडीज़ को, कम से कम 500 लेडीज़ को और इंश्योरेंस पॉलिसीज दी जाएं, जहां पे ये लाइफ इंश्योरेंस भी होगी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होंगे और मेडिकल मेडिक्लेम जो कहते हैं मेडिकल इंश्योरेंस भी रहेगा।
आज ही किसी से बात कर रहे थे जहाँ पे हमें ये भी समझ में आया कि एलिफेंटा केव्स में भी काफ़ी लोग हैं जो नवी मुंबई आते हैं और यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ और हॉस्पिटल्स जाते हैं जहाँ पे इनको मदद की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। तो ऐसी 25 फैमिलीज़ के लिए भी हम कुछ करना चाहेंगे और उनके साथ भी मेडिकल पॉलिसीज़ और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ उनको भी देंगे। जहाँ तक दूसरी लेडीज़ का सवाल है, उनको अगर हम कोई वोकेशनल ट्रेनिंग दे के कुछ कामकाज दिलवा पाएँ तो वो भी हमारा प्रयास रहेगा। और इसलिए ये स्माइल्स फाउंडेशन जो ऐसे बेबी स्टेप्स ले रही है, अभी कोशिश यही हमारी रहेगी कि आगे चल के बहुत कुछ एक साथ महिलाओं के लिए और गर्ल चाइल्ड के लिए कर सके। थैंक यू। स्माइल्स फाउंडेशन महिलाओं के सशक्तिकरण और बाल कल्याण के लिए निर्मित की गई है। जिस देवी आदिशक्ति या लक्ष्मी जी को हम पूजते हैं, आराधना करते हैं, उसी देवी की धरती पर स्त्री रूप को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए। Our aim is to empower the women of today for a brighter tomorrow, focus on bringing about a change and work towards a common goal of betterment of our society. When women and girls rise, their communities and their countries rise with them. I believe that strong people stand up for themselves, but stronger women stand up for others. Thank you. Smiles Foundation, yani muskurahate, hamara yahi aim hai ki ghar ghar mein muskurahate phailaye, औरतों को खुश रखें, बच्चों के फेसेस पे अगर स्माइल होती है तो पूरा देश, पूरा परिवार, सब जगह खुशहाली होती है। हमारा यही ज़रिया है स्माइल्स फाउंडेशन का कि हम लोगों में मुस्कुराहटें फैलाएं, उन्हें इज्जत की ज़िंदगी जीने का सहारा दे सके, बस यही करने आए हैं। धन्यवाद। स्माइल फाउंडेशन जो एक नारी सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और उनके विकास के कार्यों में अपना योगदान देना चाहती है। आई एम प्राउड टू बी कनेक्टेड विद इट। On my personal front, I have been involved in working with girls' education, job opportunities as well as their marriage. और अब Smile Foundation से जुड़ के हम इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। Smile Foundation अपने इस कार्य के लिए हॉस्पिटल, स्कूल, रोजगार संबंधी योजनाएं जो हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में, उनके विश्वास को बढ़ाने में, उनकी सुरक्षा को बढ़ाने में अपना योगदान दे सके, हम सब में अपना सहयोग उनके साथ देना चाहते हैं। इस कार्य के लिए हम अलग अलग क्षेत्रों से आकर एक साथ जुड़े हैं और इस कार्य में हम सब आपकी मदद और सहयोग की अभिलाषा और उम्मीद रखते हैं। धन्यवाद। I have been always associated with lot of social organizations before and took this opportunity to start my own NGO with like-minded people, that is Smiles Foundation. Smiles Foundation has identified one of the major areas that we will be working on is the mental health of women. Today, mental health has been identified as the biggest illness which is taking over the modern world. And women really go through a lot of change when they move from being a teenager, then being a woman, being a mother. And this is one area which they have been really, really affected with. What we wish to do is to mentally make them fitter so that they can actually make a fitter society and a fitter family. So that's, we all need your cooperation and support in this initiative of ours. Thank you. Smile Foundation तर्फे मी शेफाली नायर, मी गेली अनेक वर्ष कला अध्यापनाचे क्षेत्रात कार्यरत आहे. गेली अनेक वर्ष मुलांना व महिलांना कले क्षेत्रात शिक्षण देत आहे. अनेक महिला कलेचे शिक्षण घेऊन स्वयंरोजगार निर्मित केली आहे. मला आशा आहे की सर्व महिला आमच्या ह्या शुभ उपक्रमाला उत्स्फूर्तकपणे प्रतिसाद देतील. धन्यवाद.